أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم This is your maths teacher Sir Mohammed Hussain How are you all? I hope you all fine जैसा कि आपके इल्म में है कि वेकेशंस में आपकी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया गया है जिसके अंदर जो है वो आपको टाइम टेबल भी प्रोवाइड किया गया है कि डेली बेसिस पे आपकी कौन सी वीडियोस और कौन सा जो है काम जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल आज आप लोग की मैथ्स की क्लास है तो मैं आप लोगों को मैथ्स की वीडियोस शेयर कर रहा हूँ जिसके थ्रू आप काम को समझेंगे और अपना काम अपनी फेयर कॉपी के अंदर मुकम्मल करेंगे जैसा कि आपके इल्म में है कि हमने जो है वो चैप्टर 4 मुकम्मल किया था लास्ट क्लास के अंदर अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 चैप्टर 5 के अंदर 5.1 जो है रिड्यूस हो चुकी है और 5.2 से हम अपना काम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.2 पेज नंबर आपके पास है 101 क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास लिखा हुआ रिसोल्व इन टू फैक्टर्स एक बात याद रखिएगा एक्सरसाइज 5.2 के अंदर जो है वो हम अपने फार्मूलाज को जो हमने पिछले फार्मूलाज पढ़े हैं चैप्टर 4 के अंदर इसको रिवर्स करेंगे यानी फॉर एग्जांपल आपके पास पहले होता था a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी हमें जो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया जाता था हमें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर निकालना होता था अब यहाँ पर उलट होगा यानी हमें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर देगा हम इसके ज़रिए बनाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर समझ आए आप लोग को चलिए फर्स्ट पार्ट उठाते हैं इसका पहला पार्ट आपके पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 फर्स्ट पार्ट हमने उठाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 अब यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास कहीं पर भी फॉर्मूला अप्लाई होता हुआ नज़र नहीं आ रहा इसके बाद हम इसको गौर से देखें तो अगर अरेंज करें इसको देखें मैंने लिखा है अरेंज टू गेट अ कंप्लीट स्क्वायर यानी कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए इसको अरेंज करते हैं तो देखते हैं क्या बनता है ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 और ये माइनस बी स्क्वायर को हमने एक तरफ लिख दिया अब इस पे गौर करते हैं तो एक फॉर्मूला अप्लाई होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी a की वैल्यू हमारे पास है a और b की वैल्यू हमारे पास है 1 ठीक है तो हम अगर इसको फॉर्मूले के अंदर देखें पुट करते हैं हमारे पास आ रहा है 2 1 2a ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है माइनस बी स्क्वायर अपनी जगह पर रहा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर a की वैल्यू हमारे पास a है माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 1 है स्क्वायर का स्क्वायर आ गया माइनस बी स्क्वायर अब इस पर भी ज़रा गौर से देखें तो हमारे पास यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी ए की वैल्यू हमारे पास जो है वो a माइनस 1 और b की वैल्यू हमारे पास b हमने लिखते फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया a की वैल्यू प्लस का प्लस b की वैल्यू a की वैल्यू माइनस का माइनस b की वैल्यू इसको हम अरेंज कर देंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसके बाद इसको अरेंज करें क्योंकि वेरिएबल पहले आते हैं तो हमने वेरिएबल को पहले लिख के इसको अरेंज कर दिया ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसके बाद मैंने सेकंड पार्ट इसका उठाया 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इसको भी हम अरेंज करेंगे इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे 1 का 1 लिखेंगे इस माइनस साइन को हम कॉमन ले लेंगे माइनस से साइन कॉमन है तो हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2xy फिर इस ब्रैकेट के अंदर इसको अरेंज कर देंगे ताकि हम इसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर सकें ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल लेंगे हमने a और b 1 का 1 लिख दिया माइनस का माइनस लिख दिया और a की जगह पे a की वैल्यू b की जगह पे b की वैल्यू माइनस का माइनस और स्क्वायर का स्क्वायर सुबह हमारे पास अगेन फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी ए के बराबर हमारे पास 1 बी की वैल्यू एक्स माइनस वाई हमने इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके इसका आंसर लेकर आ जाएंगे ठीक है यहाँ पर इसको अरेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे पास एक्स माइनस का साइन और शुरू में हम जो है माइनस का एक्स नहीं लिख सकते क्योंकि ऑकवर्ड से लगता है ये हमारे पास इसका आंसर आ गया इसके बाद इसका थर्ड पार्ट उठाया हमने वाई फोर प्लस 2y³z माइनस 2yz³ माइनस z4 अब यहाँ पर भी इसको हम अरेंज कर देंगे वाई फोर माइनस जेड फोर प्लस 2y³z माइनस 2yz³ इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लेकिन फॉर्मूला नीचे हमने अप्लाई किया है यहाँ से हमने कॉमन उठा लिया कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास 2 का कॉमन आ रहा है और वाई जेड कॉमन आ रहा है हमने 2yz को दोनों से डिवाइड कर दिया हमारे पास 2 से कैंसिल हो गया वाई क्यूब में से वाई चला गया वाई स्क्वायर जेड जेड से कैंसिल माइनस 2 से कैंसिल वाई वाई से कैंसिल जेड 3 में से जेड 1 चला गया जेड स्क्वायर बच गया यहाँ हमने फॉर्मूला अप्लाई किया वाई फोर माइनस जेड फोर पर कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी
ए की वैल्यू हमारे पास वाई स्क्वायर, बी की वैल्यू हमारे पास जेड स्क्वायर, हमने लिख दिया वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस टू वाई जेड, ये एज इट इज हमने इसको उतार दिया। अब यहाँ हम गौर से देखें तो हमारे पास कॉमन आ रहा है वाई क्यूब वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, दोनों में कॉमन आ रहा है। हमने यहाँ से कॉमन उठा लिया, बच गया हमारे पास वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस टू वाई जेड, इसको भी हमने अरेंज किया तो हमारे पास फॉर्मूला लग गया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर मैं लिख दिया वाई, यहाँ पर भी अगर अगेन फॉर्मूला अप्लाई होगा, फॉर्मूला दोबारा क्यों नहीं लिखा क्योंकि ऊपर मैंने एक बार फॉर्मूला लिख चुका था, तो यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हमने यहाँ पर लिख दिया वाई जेड वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड, और ये जब हमारे पास आ गया वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अच्छा अब क्या आ रहा है, वाई माइनस जेड हमने लिख दिया, ये देखें दोनों कॉमन आ रहे हैं, जब हमारे पास कॉमन आते हैं और पावर मल्टीप्लाई होते हैं पावर प्लस हो जाते, तो इसकी और इसकी पावर हमने प्लस कर ली, ठीक है। तो ये हो गया वाई प्लस जेड का क्यूब। नीचे आएंगे यहाँ पर भी इस तरह से इसको अरेंज करेंगे, अरेंज टू गेट अ कंप्लीट स्क्वायर, फोर ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस वन अपॉइंट फोर, ठीक है। इसकी जगह पर लिखते हैं टू ए माइनस वन अपॉइंट टू माइनस नाइन बी स्क्वायर, जो यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। नीचे यहाँ पर भी हमने फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, आप देख रहे हैं सवाल मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर जो कुछ प्रॉब्लम हो तो आप अपने कंसर्न टीचर से रब्ता कर सकते हैं, आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग जो है वो इसके बाकी के पार्ट यानी नौ पार्ट मुकम्मल करके रखेंगे। इन सवाल में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है उससे पूछ सकते हैं, अपनी फेयर कॉपी के अंदर ये सारे सवाल कंप्लीट करके रखिएगा, नौ के नौ सवाल। चार सवाल मैंने इसलिए करवाए क्योंकि चारों सवाल जो बाकी सवाल से रिलेटेड है, इसलिए जो है वो इस सवाल मैंने करवाए, बाकी सवाल आप लोग खुद से करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो आप लोग के क्वेश्चन में टू में करवाऊँगा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और जो है वो काम मुकम्मल करके रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।